जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सोनू नागर, मैं आज फिर पहुंच गया हूं यहां ग्रेटर नोएडा, जहां बागेश्वर धाम जी, बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र शास्त्री जी भागवत कथा सुना रहे हैं। मेरे साथ कुछ भाई, क्या नाम है भैया अपना? अच्छा लोकेश भाई, कहाँ के रहने वाले हो? रोस्तमपुर के हो? अच्छा, धनकौर के पास। सर अभी आज किसके आए हो आप, बताओ? भाई बाबा का दरबार देखने आए लोकेश भाई, तो अभी आज पहली बार आए हो? चलो बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम भाई? एस एस भाटी जी। तो रोस्तमपुर से ही आप भी हैं? अच्छा साथ में ही हैं। तो अभी आप पहली बार ही आए हैं? उस टाइम आए थे, टीवी पे देखा था बाबा, और इतना जो देखा बाबा के लिए पॉपुलेशन जो आ रही है खरीदारी, उसके हिसाब से मुझे आप क्या क्या सोचते हैं कि ये इतनी पॉपुलेशन किस लिए है? भागवत कथा सुनने आ रही है, बाबा को देखने आ रही है, या फिर कुछ और कारण है? मतलब ये पूरा मेला सजा हुआ है, आपको क्या लगता है? चलो ऐसे भी लगता है, देखें कि बाबा को साक्षात हनुमान जी का आशीर्वाद है, बाबा जो आशीर्वाद सामने पब्लिक को दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, और इतनी जो भीड़ आ रही है, कुछ ना कुछ तो बाबा में बात है, और अभी साक्षात वो बाबा आके बताते हैं चीज़ों को, सही निकलती है। जैसा कि हमने टीवी में देखा, इंस्टाग्राम पे देखा, फेसबुक पे देखा है, तो बाबा का आशीर्वाद पब्लिक के ऊपर है, लेकिन हनुमान जी का आशीर्वाद बाबा के ऊपर जरूर है। देखिए कथावाचक जो है वो बहुत सारे हैं, पूरे भारत में लगभग हजारों, ना तो 10,000 की संख्या होगी जो कथावाचक है, लेकिन जो इतनी भीड़, जो इतना हजूम जो हिल जाता है पूरा, जो धीरेन्द्र शास्त्री के आने से पूरा एक माहौल बदल जाता है एक जगह का पूरा। ये देखिए यहाँ पे पूरा जंगल है, आप देखेंगे यहाँ दूर दूर तक 130 मीटर रोड है, बता दूँ आपको, 130 मीटर रोड पे लगभग दिन में 1000 से 1500 गाड़ी ही गुजरती होंगी, लेकिन अभी यहाँ आप देखेंगे तो कम से कम 10,000 गाड़ियाँ इधर खड़ी हुई हैं, वो सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री को देख रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का एक बार देखने को मिलता है लोगों का। आपका क्या नाम भैया? बहुत मेरा नाम पवन फौजी नाम है भैया। पवन फौजी, तो आप किस लिए आए हो भैया? बाबा को चमत्कार देखने के लिए आए भैया। अच्छा, बाबा का चमत्कार देखने हैं? बाबा में भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं हम बाबा पे। तो इतना विश्वास, इतना अटूट विश्वास, इधर आओ भाई, इधर आओ, हिंदुओं को जोड़ते हैं। इतना सुना, देखो ये जो है इतना हैप्पी फेस होना चाहिए आपका, देखो इतना हंसमुख भाई है ये हमारा। जय श्री राम, जय श्री राम। लक्ष्मण सिंह भाई, वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नाम है। एक मिनट, कहाँ से हो भैया? उत्तराखंड से। देखिए उत्तराखंड से आ रहे हैं आप, कन्नौज से। क्या नाम है भैया? मंचन सिंह। तो आप क्या कन्नौज से क्या आए हैं? हम हिंदू हैं, उसी के उपलक्ष में आया हूँ, धीरेन्द्र जी का नाम सुनकर बहुत ही पब्लिक आ गई और हजारों की संख्या में बहुत ही उत्साह है हमारे में। आप और कोई कथा सुनने गए हैं कथावाचकों के वहाँ, और कभी गए हैं? नहीं जी, वहाँ तो बहुत ही कम पहुँच पाए, इतना चांस नहीं मिला, लेकिन यहाँ अच्छा बात है। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए ये उत्साह है लोगों का। और क्या नाम है भाई? नितिन सोलंकी जी, कहाँ से हो? अच्छा बुलंदशहर से ही हो भाई, तो किस लिए आए हो भाई? बाबा गुरु जी को देखने आए हैं सिर्फ, ये देखने का एक जो मन है लोगों का, बस किसी तरीके से दर्शन हो जाए और दर्शन हो जाए तो है भाई। वाह बहुत बढ़िया। और आपका क्या नाम भैया, आपको बता दो? आपका क्या नाम है? अच्छा साथ में ये तीनों भाई, वाह ये जो तीनों भाई हैं हमारे साथ में हैं, ये हमारे साथ की लेडीज हैं, देखते हैं। मैडम जी क्या नाम है आपका? प्रीति शर्मा। प्रीति शर्मा जी कहाँ से आई हैं? ग्रेटर नोएडा। अच्छा अच्छा ग्रेटर नोएडा से ही हैं। तो क्या आप कथा सुनने आई हैं? क्या है, कैसे कथा सुनने आई हैं? किसी और कथा में गए हैं कभी? अच्छा तो कथाएं सुनने जाते रहते हैं मतलब? अच्छा प्रॉपर वृंदावन से हैं, तो देखिए वो तो धरती ऐसी है वृंदावन। आप पहले कभी किसी कथा में नहीं हैं? पहली बार आई हैं? अच्छा आप भी पहली बार आए हैं? क्यों आए हैं मतलब? क्या धीरेन्द्र शास्त्री का नाम सुन के, जो सोशल मीडिया पे इतना जो नाम है इनका, और इसलिए या फिर बस कथा सुनने के लिए आए हैं? नहीं नहीं धीरेन्द्र
मास्टर का नाम उसके लिए आए हो। मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, बड़ी चीज है जो आई। बहुत ये देखिए कथावाचक बहुत सारे हैं, लेकिन जो इनके पास जो सिद्धि प्रसिद्धि है कुछ वो अलग होती है। मैडम आपका क्या नाम है? धन्यवाद। तो धीरेन्द्र शास्त्री को पहले कभी सुना है आपने? अच्छा पहली बार यहाँ है। तो काफी ऐसे जनता है जो पहली बार धीरेन्द्र शास्त्री जी से दर्शन करने के लिए, दर्शन सुनने के लिए। बहुत ही अच्छा, आपकी मुझे लगता है सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप। शिवरात्रि के दिन मैं पहुंचा हुआ हूं ग्रेटर नोएडा में, और यहां बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र शास्त्री जी का भागवत कथा होनी है उनके द्वारा। और ये आप भीड़ देखेंगे तो पूरी भीड़ है यहां पर बहुत ज़्यादा। मेरे साथ कुछ भाई हैं। क्या नाम है भाई आपका? राजेश ठाकुर। राजेश जी कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं, तो ये आप किस लिए आए हैं? बाबा को दर्शन करने के लिए। बाबा के दर्शन करने आए हैं, किसी और कथा में गए हैं कभी? नहीं, पहली बार आए हैं। पहली बार कथा में आए हैं, इसका मतलब थोड़ा सा बाबा वाला प्रभाव थोड़ा ज़्यादा है। कथा वाला कथावाचक और भी हैं, मैंने पहले भी कहा था आपसे, लेकिन किसी किसी के पास ये सिद्धि प्रसिद्धि होती है। क्या नाम है भाई? प्रियतम सिंह। तो प्रियतम जी आप क्यों आए हैं यहाँ पे? यही बाबा के कथे में या इनका जो है हिंदू राष्ट्र बनाना है, इससे प्रेरित होकर के यहाँ देखने के लिए। ये भी एक रीज़न है, ये हिंदू राष्ट्र बनाना है, और मतलब उनसे थोड़ा सा इंस्पायर्ड है। इंस्पायर्ड है। तो बहुत बढ़िया जी। प्रीतम जी आप भी साथ में ही हैं? कहाँ से आए हैं? साथ में ही हैं, दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से ही साथ में आए हैं? बिहार से सर। बिहार से आए हैं, किस लिए आए हैं? जी हाँ हैं, सब लोग कहते हैं सनातनी का ध्वज ये लहराते हैं, सनातनी की मांग करते हैं, चाहते हैं पूरे हिंदू राष्ट्र बने, हिंदू राष्ट्र बने, इसलिए हमारा भी शौक है हिंदू राष्ट्र बन जाए। और एक सनातनी होने के नाते, एक ब्राह्मण होने के नाते, मैं यहाँ हनुमान जी से अपनी अर्जी लगाने आया हूँ। वाह वाह, क्या बात है। ब्राह्मण देवता महाराज की ये हमारे बहुत बढ़िया, इन्होंने सनातन ये हैं और सनातन का प्रचार कर रहे हैं। क्या नाम है भाई? अभिषेक। अभिषेक कहाँ से आए हो? सुत्यानी। सुत्याने से किस लिए आए हो? दर्शन करने बाबा के। बाबा के दर्शन करने आए हैं, बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है भाई? अन्नू सुत्याना। अन्नू जी, हाँ जी, आप भी बाबा का दर्शन? हाँ जी, बाबा के दर्शन आना अपने दोस्तों के साथ। वो अभी और भागवत कथा में गए हो? यस बाबा, हमारे जिस कौम मोहम्मद सारे में जावे। वाह वाह, ये होती है, ये जो है युवाओं के बीच जो क्रेज है वो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और आपका क्या नाम भाई? धीरज। धीरज कुमार।
धीरज कुमार जी कहाँ से हैं? शाहजहाँपुर से। शाहजहाँपुर? हाँ। तो अभी किस लिए आए हैं यहाँ पे? बाबा जी के दर्शन करने। कौन बाबा जी हैं ये? बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी, बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम भाई? अर्जुन मिश्रा। अर्जुन मिश्रा जी कहाँ से हैं? शाहजहाँपुर से। भाई वाह, साथ में ही हैं दोनों। हाँ। अच्छा, बाबा का दर्शन करने? हाँ, दर्शन करने। भाई वाह, बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम अंकल जी? संजय कुमार जी। संजय कुमार। अच्छा, कहाँ से हैं? दादरी गौतम बुद्ध नगर। अच्छा, दादरी से ही हैं। तो आप किस लिए आए हैं? बाबा के दर्शन करने के लिए। बाबा के दर्शन करने? तो भागवत कथा चल रही है, सुनने के लिए आए हैं, बाबा के दर्शन करने के लिए आए हैं। और मेरे साथ भाई, क्या नाम भाई? गजेंद्र कुमार। गजेंद्र कुमार। गजेंद्र जी कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से? यहाँ कहीं काम करते हैं? सीधा बिहार से आए हैं? बिहार से आए। सीधा बिहार से आए हैं अभी ये कथा सुनने के लिए? नहीं, दो चार दिन हो गया। हाँ, मतलब ये जब से कथा चल रही है। हाँ जी। कहाँ, यहीं पे रुक रहे हो? हाँ नहीं, आश्रम पे रुक रहे हैं। अच्छा, महारानी बाग रुक रहे हो? हाँ जी। ये कथा सुनने के लिए आए हो? हाँ, मेरी मम्मी आई है ना। अच्छा, मम्मी के साथ सप्लीमेंट्री है ये। आपका क्या नाम आंटी जी? हरदोई जिला से। हरदोई जिला से। अच्छा, कहाँ से हैं? हरदोई जिला से। आपका नाम क्या है? सुनीता। मुझे लगा हरदोई जिला आपका नाम है। भागवत सुनने आए। बहुत बढ़िया। कहाँ सुना ये नाम आपने धीरेन्द्र शास्त्री जी? हमने यहाँ नोएडा की सुना, यहीं से सुना, सोन नगरी से। आप यहीं पे रहते हैं? सोन नगरी से। तो पहले कभी ये सुन रखा है धीरेन्द्र शास्त्री का नाम? सुना है कभी पहले? जी सुना है। सोशल मीडिया पे सुन रखा है सारा नाम है? सुना था टीवी पे। टीवी पे सुना था। अच्छा, क्या नाम भाई? गौरव। गौरव, कौन सी क्लास में हो? 8th क्लास में। कहाँ से आए हो? दादरी से। दादरी से। कौन है ये बाबा जी, क्या नाम है इनका? ये नहीं। अरे ये नहीं, ये बाबा जी जिनसे ये पंडित धीरेन्द्र शास्त्री है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इतने जागरूक हो चुके हैं कि भागवत कथा सुनने के लिए यहाँ पर एक तरीके से आप देखेंगे पूरा हजूम लगा हुआ है। छोटे बड़े बुजुर्ग हर तरीके का यहाँ पर आपको आदमी मिलेगा। क्या नाम भैया? मुकेश राजपूत। मुकेश भाई कहाँ से हो? मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट यूपी से। मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट यूपी, किस लिए आए हो भाई? ये पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुनने। भाई वाह, भाई वाह, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुनने आए हैं भाई। आपका क्या नाम भाई? आकाश राजपूत। आकाश राजपूत। साथ में ही? साथ में ही। ये मैनपुरी से हैं आप? देखिए, मैनपुरी से सीधा आ रहे हो या कहीं रहते हो? दिल्ली से आ रहा हूँ। दिल्ली में रहता हूँ वैसे, और दिल्ली से आए हैं अभी। अच्छा, दिल्ली से आए हो कथा सुनने के लिए जी। इससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री का नाम कहीं सुना था? बिल्कुल, यूट्यूब पे बहुत उनके बहुत बड़े फैन हैं हम। अच्छा अच्छा, फैन हैं उनके? तो भाई फैन तो बनते हैं, यहाँ तो आनेंगे फिर। तो आपका क्या नाम भैया? इधर हो जाते थोड़ा सा। के भार्गव। के भार्गव जी कहाँ से आए हैं? जिला बांदा। बांदा से भी हैं? एक एक कोई डिस्ट्रिक्ट मुझे लगता है यहाँ छूटेगी नहीं अभी एक एक करके सारी। तो किस लिए आए हैं भैया? यहाँ कथा सुनने आए हैं। कथा तो और भी कथावाचक सुनाते हैं, कभी उनके पास गए हो? या आनंद मिलता यही, जहाँ आनंद मिलता वहीं चल कथाएं तो अनंत होती। हर आनंद हर कथा अनंता, तो आनंद जहाँ मिलता आनंद लेते रहते हैं। वाह वाह, ये हुई ना बात, आनंद लेने के लिए जहाँ आनंद मिले, आनंद चाहे आनंद विहार में मिले, आनंद वहीं ले लो आप। वहीं कहीं भी। इधर आ जाओ भाई, अरे इधर आ जाओ, थोड़ा इधर आओ यार। क्या नाम है? नीरज कुमार। नीरज कुमार जी कहाँ से हो? ग्रेटर नोएडा से। इतने थके की और हो? नहीं, दौड़ लगा गया कहीं से? नहीं नहीं, दौड़ लगा के नहीं आया। गर्मी बहुत ज्यादा। हाँ नहीं, आए हो? मैं भजन सुनने आया। भजन सुनने? भागवत चल रही जी। अच्छा, ग्रेटर नोएडा से ही हो प्रॉपर, कहीं बाहर से हो? नहीं, जेपी ग्रीन से जॉब करता हूँ मैं। अच्छा, जेपी ग्रीन में जॉब करते हो, मतलब अभी यहीं रह रहे हो ना प्रॉपर? हाँ। क्योंकि बहुत बहुत दूर से आ रहे हैं यहाँ भाई। बहुत दूर से आ रहे हैं, बंगाल से, मद्रास से। ये जी जी, ठीक है ठीक है, डेली। बहुत बढ़िया, ये एक अलग है जो हिंदू और सनातनियों में जगी है, एक भागवत सुनने की। मुझे नहीं लगता इतनी भीड़ जो है वो किसी भी भागवत कथा में होती हो। नहीं नहीं, इंजन सबसे ज्यादा है, ग्रेटर नंबर नंबर वन पे आ रहा है भागवत में। ये इतनी ज्यादा जो भीड़ है वो किसी भागवत कथा में मुझे नहीं लगता। और धीरेन्द्र शास्त्री के पास वो क्षमता है, वो कैपेबिलिटी है कि वो भीड़ को एकत्रित कर सकते हैं, जोड़ के रख सकते हैं, भीड़ की ताकत को एकत्रित करके उसको पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यही सनातन की पावर है। आपका क्या नाम भैया? रोबिन। रोबिन कहाँ से हो भाई? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही हो? हाँ। अच्छा, तो यहाँ कथा सुनने आए हो या धीरेन्द्र शास्त्री को सुनने आए? पटपगंज में आए थे, वहाँ पर एक दिन फर्स्ट टाइम 8 जनवरी को मैं मुलाकात हुई थी। तो मुझे जब वहाँ देखा था, फिर वाइफ के लिए एक बार नोएडा भी चलना है, तो इस बारे में यहाँ पर आए। वाह वाह, ये है सारे, ये मतलब
वहाँ भी सुन चुके हैं, यहाँ भी सुनना है, आगे कहीं जाएंगे वहाँ भी सुनना है, पूछ तो ये आगे भी कहीं जाएंगे तो वहीं पूछेंगे। ये होता है हरि हरि अनंत हरि कथा अनंता। आप जितनी बार सुनेंगे उतनी बार आपको ऐसा लगेगा, नया एहसास होगा। जितनी बार उन पुरानी कथाएं हैं वो सारी पहले भी सुन रखी होंगी, सब ने सुन रखी, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आप जितनी बार सुनेंगे वो आपको हर बार नई दिखाई देंगी और लोगों से मिलेंगे। राजकुमार, राजकुमार, राजकुमार जी कहाँ से हो? यही नोएडा से। नोएडा से, नोएडा से हो तो आप किस लिए आए हो बेसिकली यहाँ पे? कथा सुनने के लिए आए। कथा सुनने के लिए, तो धीरेन्द्र शास्त्री से कोई लगाव या फिर ऐसे कथा सुनने के लिए जाते रहते हैं? सनातन के लिए आए। सनातन धर्म का जो ये एक अलग जगा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं उसके लिए है। उसके लिए तो सनातन धर्म के प्रचार से भी बहुत लोगों का एक जुड़ाव है। और आपका क्या नाम भैया? प्रदीप सैनी। प्रदीप सैनी जी कहाँ से हैं? ग्रेटर नोएडा हल्द्वानी से। ग्रेटर नोएडा हल्द्वानी से हैं भाई। और कथा सुनने आए थे? हाँ जी, कथा सुनने आए। धीरेन्द्र शास्त्री का नाम कभी पहले सुना था? पहले नहीं सुना था जी। YouTube पे या कहीं? YouTube पे देखा था जी। अच्छा अच्छा, पहले देखा नहीं था, लेकिन अभी आज पहली बार आए हो या आते रहते हो? पहली बार आए हम जी। पहली बार आए हो आज? अभी तो आए नहीं है, आ जाएंगे तो अभी आप सुनिएगा कथा है। तो दोस्तों आपने सुना, सभी जितने भी हमने यहाँ पर जितने भी लोगों से पूछा, कोई हिंदू धर्म के लिए आया है, कोई सनातन शक्ति के लिए आया है, कोई यहाँ पर बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री के लिए आया है, तो कोई कथा सुनने आया है। रीज़न अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी यहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ जो है वो यहाँ देखने को मिली ग्रेटर नोएडा में। तो ये सारे जो भाई हैं मेरे साथ, ये सभी यहाँ पर बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी को देखने आए हैं, उनसे मिलने आए हैं, उनकी कथा सुनने आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदू राष्ट्र होने का मतलब ये थोड़ी है कि हमारे मुस्लिम भाई को दूर भगा दिया जाएगा, हाँ हमारे सिख भाई को दूर भगा जाए, ऐसा कुछ कोई बात नहीं है। हमारा हिंदुस्तान वही रहेगा, बस हमारा हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। बाकी हमारे यहाँ सबको प्यार मोहब्बत से एक जैसे एक दूसरे को मिलके, कोई भी किसी का फर्क पड़ेगा, सब गले मिला के अपना त्यौहार मनाएंगे, इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मैं सबसे यही हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरा सभी पब्लिक से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी का सपोर्ट करिए। जैसे ये मेहनत कर रहे हैं अपना, वैसे उनका सपोर्ट करिए। सभी युवाओं से हमारा अपील है, युवाओं की सपोर्ट के लिए हमारे जो भाई हैं कह रहे हैं, क्या नाम बताया था भैया? मेरा कुलदीप मिश्रा नाम है, मैं टांडा। कुलदीप मिश्रा जी हैं हमारे जी। और कहाँ से भैया? मैं टांडा अंबेडकर नगर से हूँ, अयोध्या से, मेरा डिस्ट्रिक्ट अयोध्या था। अच्छा, मेरा जी टांडा अंबेडकर नगर से हैं। बहुत बढ़िया, भाई जो है यहाँ पर दिल्ली ही कार्य करते हैं, अपना जॉब वगैरह करते हैं, तो यहाँ समय निकाल कर आज पहली बार आए हैं या आ चुके हैं? नहीं, आज एक्चुअली मेरा जॉब था, मैं ऑफिस से फिर आया रूम पे फ्रेश होकर, फिर मैं बोला कि मैं महाराज जी का कथा सुनने जाऊंगा, और जितने हमारे युवा भाई मुझसे रास्ते में मिलते रहेंगे उनको भी बताता चलूंगा कि भैया हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी का जो है, आप लोग फुल सपोर्ट करिए। सभी लोग हमारे देख रहे हैं, जो बूढ़ी दादी उदी देख रहे हैं, जो कि चल भी नहीं पा रहे हैं सही से, वो भी हमारे धीरेन्द्र महाराज जी का सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं। किस चीज़ का सपोर्ट करना है? सपोर्ट वो एक श्रद्धा है उनका एक श्रद्धा है, वो कथा सुनने के लिए भी आ रहे हैं। और एक सपोर्ट और है जो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी अभी अपील किए हैं सबसे, कि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, तो हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, यही सपोर्ट है। और हमारे जितने युवा भाई हैं, जैसे कि हमारे सब भाई किस लिए आप आए हैं? कथा सुनने के लिए आए हैं, साथ साथ इनके मन में ये भी है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं, एक युवा शास्त्री जी जो हमारे युवा एक भाई जैसे हैं वो लड़ रहे हैं, तो हमारे जितने युवा भाई हैं तो इनका साथ क्यों नहीं हम देंगे।
हाँ, हम लोग बढ़ चढ़ के इनका हिस्सा लेंगे, इनका साथ देंगे, हमारे जितने युवा भाई हैं इनका साथ देंगे। हाँ, कुछ भी हो कि अगर हमको अपनी जान भी देनी पड़े, हमको परवाह नहीं, दे वतन के लिए आए हैं तो वतन के लिए जाएंगे, इसको हमको फर्क नहीं पड़ता है। तो मिश्रा जी, मुझे लगता है थोड़े भावुक हो गए हैं, पर बहुत अच्छी बात कर रहे हैं ये, बहुत अच्छी बात लगी मुझे। भावुक नहीं हुआ हूँ, जो वतन है, आई लव यू माई इंडिया, मैं अपने भारत देश से प्यार करता हूँ। तो अगर हम चार दिन शुगर की जात अगर जी के मैं खा पी के जिंदगी अपना खराब करके मर जाऊँ तो ऐसी जिंदगी हमारी किस काम के। तो हम अगर माँ बाप मुझको पृथ्वी पे लाए हैं ना, तो देश के लिए कुछ करके जाओ, कुछ अपना नाम करके जाओ, तो अपने आप को मैं ग्रेट मानता हूँ। और ऐसे खा पी के जिंदगी घिस पिट के चली जाए तो उसको जिंदगी जिंदगी मैं नहीं समझता हूँ। डोनेशन नहीं लेता है, आप उनकी किताबें खरीदिए, उन्हें पढ़िए, ज्ञान अर्जित कीजिए, तब जो उस कानून में मिलता है मिनिमम उसका दीजिए। और ये अपने उस कर्तव्य में कार्य में अभी तक बहुत परिपूर्ण तरीके से अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। आशा करते हैं गीता प्रेस इसी तरीके से आगे भी कार्य करता रहेगा और हमें इसी प्रकार की अच्छी पुस्तकें पढ़ने को मिलेंगी। जय हिंद। जय श्री राम। जय श्री राम।